कई दशकों से ये माना जा रहा है कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी एक रहस्यमय ग्रह उपस्थित है जो कई हजार सालों के अंतर में हमारे सूरज का परिक्रमा करता है, पर इस ग्रह की स्थिति पर अभी भी विवाद है। दोस्तों, ये सब बातें मेरा नहीं है, ये सब एक थ्योरी है जो वैज्ञानिकों ने सोचा है। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि ये सब सच ही है, पर हो भी सकता है। जो भी हो, हम एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी को और बहुत जगहों के पुरानी मान्यताओं को नकार नहीं सकते। उनमें कुछ तो सच्चाई होगी। उनके मुताबिक निबिरु ग्रह से देवताओं ने आकर धरती पर इंसानों की रचना की थी। उन देवताओं को वो लोग अनुनाकी कहते थे। इस शब्द का अर्थ है जो स्वर्ग से धरती पर आए थे। कहा जाता है कि आज से 4 लाख साल पहले निबिरु ग्रह से लोग पृथ्वी पर आके बसे थे। बाइबल पर भी उनके बारे में लिखा है, जिनको सन्स ऑफ गॉड कहा गया है। तब पृथ्वी पर इंसान जाति का कोई अस्तित्व नहीं था। बाद में निबिरु ग्रह के लोग और पृथ्वी के कुछ जीवों के संयोग से बने हाइब्रिड जाति से इंसान विकसित हुए। इसीलिए पृथ्वी पर सिर्फ इंसानों को ही बुद्धिमत्ता और ज्ञान मिला। अनुनाकी लोग जब लौट के गए, तब इंसान जाति को आश्वासन देकर गए कि वो वापस आते रहेंगे इंसानों को ज्ञान देते रहने के लिए। इसके बाद हर 3600 साल के अंतर पे अनुनाकी पृथ्वी पर आते रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अनुनाकियों को अलग अलग भगवान का दर्जा मिला, जिनके बदौलत आज से 5000 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी इंसानों ने विशाल पिरामिड्स का निर्माण कर लिया था। लेकिन 3600 साल के अंतर में ही क्यों अनुनाकी आते हैं? यह इसीलिए क्योंकि उनका निबिरु ग्रह परिक्रमा करते हुए हर 3600 साल में एक बार हमारे सौरमंडल में प्रवेश करते हैं। और जैसे आज के इंसान पृथ्वी से मंगल ग्रह के लिए रोबोटिक यान तभी छोड़ते हैं जब दोनों ग्रह पास से गुजरते हैं, इसी तरह निबिरु ग्रह से अनुनाकियों का अंतरिक्ष यान तभी पृथ्वी पर भेजना आसान होता है जब दोनों ग्रह पास से गुजरे। लेकिन क्या निबिरु ग्रह सच में है? 1982 में नासा ने एक दूसरे सौरमंडल के ग्रह की स्थिति का अनुमान लगाया था, जो कि दुनिया की सबसे आधुनिक ऑप्टिकल टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता था। इसीलिए 1983 में नासा ने इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट आयरस का स्पेस में स्थापना की और आयरस टेलीस्कोप की तस्वीर ने नासा को उस ग्रह की होने की पक्का सबूत दिया। जब आयरस के वैज्ञानिकों ने पहली बार उस ग्रह को देखा और गणना की कि यह ग्रह पृथ्वी से 50 बिलियन माइल्स दूरी पर स्थित है और शायद पृथ्वी के तरफ ही आ रहे हैं, इस रहस्यमय ग्रह को प्लेनेट एक्स नाम दिया गया। माना जाता है कि प्लेनेट एक्स ही निबिरु ग्रह है। हाल ही में इंटरनेट में एक और खबर चर्चा का विषय बना हुआ है कि निबिरु ग्रह पृथ्वी के करीब आ रहे हैं और जल्द ही पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नासा ने या अमेरिकी सरकार ने इस बात का खुलासा जनता से नहीं किया है। लेकिन 2015 में नासा के द्वारा लिया गया सूरज के कुछ तस्वीरों में सूरज के पीछे से आते हुए रहस्यमय प्लेनेट एक्स को देखा जा सकता है। अगर ये प्लेनेट एक्स वही निबिरु ग्रह है जिसका जिक्र पुरानी मान्यताओं और बाइबल में किया गया है, जो ग्रह हर 3600 साल में एक बार हमारे सूर्य का परिक्रमा करता है, तो जल्द ही दोनों ग्रह बहुत करीब होंगे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसके ग्रहवासी जो हमारे लिए एलियंस होंगे अपने अंतरिक्ष यानों के झुंड के साथ पृथ्वी के तरफ आने की संभावना है। दोस्तों, ये सब बातें मेरा नहीं है, ये सब एक थ्योरी है जो वैज्ञानिकों ने सोचा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। नए दर्शकों के लिए मेरा गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।